हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, सूत्र बनाना सीख रहे थे। ठीक है ना? तो मैंने आपको बहुत से सूत्र बना के दिखाए थे और मैंने आपसे कहा था कि कुछ आप बनाइए और जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको जो है भी समझ में आ जाएगा कि सूत्र कैसे बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम अभी तक तो हमने एक नाम से सूत्र को बनाया था, अब सूत्र से एक नाम बनाएंगे। ठीक है ना? कि कोई सूत्र लिखा हो तो उसका नाम कैसे बनाते हैं। हमने क्या पहले बनाया था? नाम लिखा था, सूत्र बनाते थे। अब हम सूत्र लिखेंगे और उसका नाम बनाएंगे। ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो है वो एक ही वीडियो बनाऊंगा मैं इसका। और ये अच्छे से समझ लेना कि नाम लिखा हो तो उसका सूत्र कैसे बनाते हैं, और सूत्र लिखा हो तो उसका नाम कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? और इसके लिए बस वही धनायन और ऋणायन वाला पोर्शन आपके पास में होना चाहिए। जब इसको आप पढ़ना, जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, तो अपने पास में जो मैंने आपको धनायन और ऋणायन लिखाए थे वो अपने पेज को आप पास में रखना। ठीक है ना? तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं। चलिए मान लीजिए हमारे पास में लिखा है NaCl। हमसे कहा गया कि NaCl का नाम बताओ, हमारे पास सूत्र लिखा है, नाम पूछ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। और Cl को क्या बोलते हैं? लिखा होगा Cl माइनस क्या बोलते हैं? क्लोराइड। Na को सोडियम, Cl को क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन गया। चलिए दूसरा ऐसे बनाइए। मान लीजिए हमारे पास में लिखा है MgCl2। तो Mg का नाम मैग्नीशियम हो गया। अब Cl2 मतलब Cl का नाम क्लोराइड हो गया ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगले आ जाइए पॉइंट पे, CaCl2 नाम बताओ, CA का नाम कैल्शियम हो गया, CA का नाम कैल्शियम, CL का नाम क्लोराइड। बस आपके पास कैटायन और एनायन वाला पोर्शन लिखा होना चाहिए, आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है ना? ये हो गए, छोटा करते हैं। फोर नंबर, ZnCl2 क्या नाम है? जिडन का नाम, जिडन का नाम जिंक। धनायन मैंने बताया था ना सूत्र कैसे बनाते हैं, सूत्र कैसे बनाते हैं, क्या बताया था? धनायन प्लस ऋणायन। देखिए धनायन है ना, मेटल है तो नाम पहले लिखते हैं यहां पर जिंक, और कहीं कहीं पर बाद में लिखते हैं ना। देखेंगे यहां पर धनायन मेटल है तो मेटल का नाम पहले लिखेंगे जिंक, और ये क्या है ऋणायन, क्या नाम है क्लोराइड, उसका नाम बाद में लिखेंगे। मेटल का नाम पहले लिखते हैं, मेटल का नाम पहले। आगे देखिए CO2 क्या बोलेंगे, सी को क्या बोलते हैं? कार्बन। इंग्लिश हो गई, हिंदी लिख देता हूं कार्बन। अब देखिए दो को क्या बोलते हैं, नहीं पता है ना। देखिए एक को बोलते हैं मोनो, दो को डाई, तीन ट्राई, चार टेट्रा। ठीक है ना? तो यहां पे देखिए सी को क्या हो गया कार्बन,
और दो को क्या बोलते हैं? दो को बोलते हैं डाई, डाई। और ओ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। हिंदी में लिख लीजिए कार्बन डाई ऑक्साइड, हो गया। अगर इसके सूत्र के बनाने की बात करो तो इसको सूत्र बना के दिखाओ। अगर कंफ्यूजन है पूछो इसका सूत्र कैसे बनाते हैं। सर देखते कितने लोग व्हाट्सएप पूछते हैं कि CO2 का सूत्र बना के देखना कि बना पाते या नहीं। नंबर सिक्स CO, बोलो C मतलब कार्बन, कार्बन। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितना है। देखिए यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं मेटल धातु, धातु का नाम तो लिखते हैं, धनात्मक भाग को पहले लिखते हैं, बस वही लिख रहा हूं मैं। तो धनात्मक भाग को पहले लिखता है, देखिए यहां पर धनायन धना लिखा ना, तो धनात्मक वाले का नाम पहले लिखते हैं, फिर ऋणायन वाले का नाम लिखेंगे। पहले धनायन फिर ऋणायन का नाम। तो धनायन क्या है इसमें? कार्बन है, तो कार्बन पहले, ऋणायन क्या है? ऑक्सीजन। अब ये सब कैसे है? ये आप दिमाग लगा सकते हो कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो वहीं से पता कर लीजिए किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और किसकी कम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा है तो निगेटिव हो गया, और ये कम वाला है इसकी पॉजिटिव हो गया। तो कार्बन पॉजिटिव है पहले लिखेंगे, निगेटिव वाला बाद में लिखेंगे। तो ओ क्या होता है? ऑक्साइड। कितना है? एक। एक को क्या बोलते हैं यहां पर है? ये देखिए नाम लिखा है मोनो कार्बन, मोनो, और ओ को ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे हिंदी में कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन मोनो ऑक्साइड बन गया ना सूत्र। जब ये आप वीडियो देख के जुलाई में आओगे ना, जितने वीडियो मैंने बनाए हैं आपके लिए, जब ये आप देख के आओगे तो आपकी 40% या 50% कह सकते हो केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं आता तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आप इंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर हिस्ट्री कहते हैं, लेकिन अब नहीं है, एनसीईआरटी है। ये नहीं आता है तो आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्लास 11th में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और हर बार आपको बार बार यही वीडियो देखने ही पड़ेंगे। तो इससे अच्छा आपने कोई लोड बनाने से कि अभी मैं ये वीडियो देख लूं। जो आप ये अभी वीडियो देख लोगे ना, तो आगे आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप को अभी से अच्छा कर लीजिए। इसको चलिए आगे और नाम देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए मान लीजिए हमारे पास में है SO2, तो क्या नाम लिखेंगे? क्या बोलते हैं SO2 को? S को क्या बोलते हैं? सबसे पहले सल्फर। ठीक है, सल्फर को पहले क्यों लिखा? क्योंकि सल्फर धनात्मक है और ऑक्सीजन ऋणात्मक है, धनात्मक को पहले लिखते हैं। क्या मैंने बताया? धनात्मक वाले को पहले लिखते हैं और ऋणात्मक वाले को बाद में। ऑक्सीजन ऋणात्मक है, ठीक है ना। दो को क्या बोलते हैं? डाई। सल्फर डाई, दो को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड, हो गया। अब आगे सोचिए MgO मेटल है, धनात्मक होगी और ऑक्सीजन ऋणात्मक होगा, धनात्मक को पहले लिखते हैं। तो Mg का नाम मैग्नीशियम, O को ऑक्साइड, हो गया। 9 नंबर NH2O,
पूछो राम बात पूछो। सबसे पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, धनात्मक को पहले लिखते हैं ऋणात्मक को बाद में लिखते हैं। धनात्मक क्या है? NaO, NaO का मेटल है, क्या नाम है? सोडियम। हो गया, क्या बोलते हो ऑक्साइड, क्या बताओ? CaO, क्या नाम है? P के नाम, CA का नाम बताओ, कैल्शियम। धनात्मक हो गया, धनात्मक ने ढूंढ लिया ना धनात्मक, और O का नाम ऑक्साइड। दिखा चुका हूं ना, धारा दिखा है तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे अगला क्या बोलते हैं बताओ, इसका केको क्या बोलते हैं? पोटेशियम। और NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। सक्रिय NO2 को नाइट्राइट, NO3 को नाइट्रेट। तो उस वाले को पहले, मैं वाले को बाद में, क्योंकि पोटेशियम मेटल है। हो गया ना, यस, यही पहचानना है आपको। आगे बताइए, NaNO3, बोलो ना, बोलो आप बोलो की बात है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? धनायन, फिर ऋणायन। धनायन कौन है? Na, मेटल है। NO3 क्या है? समूह या मूलक है, माइनस होगा। तो Na धनायन है, धनायन को पहले लिखते हैं ना, बताओ। Na का नाम सोडियम। अब NO3 का नाम क्या है? बिल्कुल सही, नाइट्रेट। मन के नाम तैयार, कुछ करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। जितने भी वीडियो मैंने बनाए उनको देख के रखना है, और जो भी बातें आप फर्स्ट ईयर में सीखेंगे वो फिर आपको क्लियर कर देंगे कि ये सूत्र बनाते कैसे हैं, और भी स्पष्टीकरण हो जाएगा जब आप ये वीडियो देख लोगे बनाए हुए मेरे, ठीक है ना। आगे बताओ, और करने हैं ना, चलो और करते हैं। सोचो सोचो, दिमाग की जोर डालो, क्या लिखे? सी यू सी एल, बताओ कौन बताएगा इसका नाम? हाँ याद आया, सी यू दो प्रकार से, एक CU प्लस एक CO2 प्लस। क्या बोलते थे? कम में अस, ज्यादा में एक, क्यू प्लस क्यू प्रेस। तो यहां पर CU कितना है? एक ही प्लस है, इस पर एक ही माइनस है। अब एक प्लस को क्या बोलते हैं? क्यू प्लस। और Cl को क्लोराइड, क्या बना? क्यू प्लस क्लोराइड। अगर ये लिखा हो तो क्या पढ़ोगे बताओ ना। अब देखिए यहां पर कितना प्लस है? दो, दो वाले को क्या बोलते हैं? इक लगाना है, क्यू प्रिक। और सीएल को क्लोराइड, क्यू प्रिक क्लोराइड। ऐसे एफी सी एल टू, बताओ। तो मैंने क्या बताया था? एफी टू प्लस एफी थ्री प्लस, कम है अब लगाएंगे फेरस, ज्यादा है एक लगाएंगे फेरिक। तो क्या हुआ? फेरस भाई धनात्मक है ना, पहले लिखेंगे, और सी एल का नाम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। ऐसे एफ ए सी एल थ्री, क्या नाम है? क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे तो क्या बनेगा? फेरिक और सी एल क्लोराइड। हो गया ना,
पेरिक्लोराइड। नहीं, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और जब पूछोगे तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। पूछोगे नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। सोचो सोचो और सोचो, ऐसे CuNO3 क्या है? एक प्लस या दो? देख लो, एक वाला है, क्या बोलते हैं एक को? प्लस वाला पहले ना, क्यू प्लस। NO3 को क्या नाम दिया था? नाइट्रेट। हो गया 18 नंबर। CuNO3 का होल टॉयस। बोलो क्यू क्या बोलते हैं? यहां बताओ क्यू कौन है? दो प्लस वाला है ना, क्या बोलेंगे? क्यूप्रेक। NO3 को नाइट्रेट। क्यूप्रेक नाइट्रेट। आगे देखिए, बोलो FeNO3 का होल टॉयस क्या लिखेंगे? कौन सा है? प्लस टू। क्या बताया था? कम वाला है, तो क्या लिखेंगे? फेरस। और NO3 का नाम नाइट्रेट। फेरस नाइट्रेट। आगे बताओ FeNO3 का होल ट्राइस। बोलो कितना वाला है यहां पर? है प्लस थ्री, मतलब क्या बना? फेरिक NO3 का नाम नाइट्रेट। FeNO3 का नाम फेरिक NO3 का नाम नाइट्रेट। तीन प्लस वाला है, एक लगाएंगे, प्लस ज्यादा है ना, कम वाला है अस लगाएंगे, फेरस। हो गया ना, देख लो अच्छे से, देख लो सब है। ऐसे ही सूत्र हो सकते हो ना, बना सकते हो ना, जब बना सकते हो तो नाम भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? पूछो, दिमाग पे जोर डालो, क्या लिखे? Na2CO3 क्या नाम होगा? Na का नाम सोडियम। धनात्मक हो गया, क्या लिखेंगे? ऋणात्मक ये होगा, क्या नाम है इसका? कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम कौन बताएगा? क्या नाम है? चलिए देखते हैं। Na का नाम सोडियम, धनात्मक हो गया भाग, फिर क्या लिखते हैं? ऋणात्मक। क्या नाम है इसका? बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। इसको आज NCERT वाले ऐसे भी लिखते हैं, सोडियम धनात्मक हो गया, इसको हाइड्रोजन लिख देते हैं, बड़ी इंग्लिश हो गई, हिंदी लिख लेना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन और CO3 का नाम कार्बोनेट, ये भी नाम लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NCERT वाले लिखते हैं ऐसे। आगे सोचिए, पूछिए, दिमाग जोड़ा दिए, क्या लिखे आपकी बात में? MgCO3 बताओ ना। Mg का नाम मैग्नीशियम, CO3 का नाम कार्बोनेट, क्या लिखेंगे इसको? MgHCO3।
रहना, क्या लिखेंगे एनजी का नाम मैग्नीशियम, धनात्मक लिखा करो पहले, हो गया ना। और Hc3 का नाम क्या था बोलो, बाई कार्बोनेट हो गया या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऐसे इसका नाम CH बस होगा, मेटल है ना, क्या लिखेंगे कैल्शियम CO3 क्या होगा कार्बन, CaHCO3 CA का नाम कैल्शियम, HCO3 क्या था बाई कार्बोनेट, बस आपको वही चार्ट खोल के रखना है, HCO3 बाई कार्बोनेट, ये क्या था कैल्शियम, हो गया ना।